Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affairs series called To the Point. Zid se, Jeet tak. Hi, everyone. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन वन ऑफ दोज टॉपिक जो कि यूपीएससी का बहुत फेवरेट रहता है जब भी इस टाइप का कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें यूपीएससी खास इंटरेस्ट दिखाता है बिकॉज ये दो तीन एस्पेक्ट कवर करता है एक आपका करंट अफेयर दूसरा ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ में आता है प्लस ये एक कल्चर की प्रोपोगेशन के अंदर जो भी चीज़ हेल्प करती है राइट या जो भी चीज़ उसके लिए अटेम्प्ट करती है कि ये वो काम करने वाला है ना वो यूपीएससी का एक काइंड kind ऑफ of जो है फेवरेट सा टॉपिक बन जाता है ये हमने पास्ट ईयर पेपर्स में भी देखा है राइट right? जैसे ज्योतिर्लिंग के ऊपर सवाल आए थे है ना और टेम्पल्स के ऊपर सवाल आए हैं जैसे लास्ट ईयर हमारे जैन प्रोटेस्ट हुए थे तो शताना वसल जो केव्स हैं उसके ऊपर सवाल आ गया था तो इस टाइप के टॉपिक खासकर इंपॉर्टेंट होते हैं हाउएवर हमारी टेंडेंसी रहती है क्योंकि ये स्टैंड अलोन टॉपिक्स होते हैं तो हम इन्हें काफ़ी हद तक अवॉइड कर देते हैं है ना मोस्टली इसको इंस्टीट्यूट्स भी जो है वो अवॉइड करते हैं इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आप देखेंगे कि कम मैंशन होता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं बच्चे यूपीएससी थोड़ी टेढ़ी खीर है तो खाने के लिए आपको थोड़ा जो है वो करना तरीका चेंज करना उसको खाने के लिए आइए बच्चे स्टैचूक्ट इसके एक सौ आठ फीट टॉल जो एक स्टैचू है ऑफ होम आदि शंकराचार्य जिस स्टैचू का नाम दिया गया है आपका स्टैचू ऑफ वननेस और ये ओमकारेश्वर के अंदर जो है अनवील हुआ बाय द वे ओमकारेश्वर इज वन ऑफ ज्योतिर्लिंग साइट्स राइट

इन वॉट नाउ इज केरला केरला में इनका बर्थ हुआ था इसके बाद में ओमकरेश्वर एज यंग मॉन्ग आए थे बारह साल की उम्र में जहां पे इनको अपने गुरु मिले थे गुरु गोविंद जी राइट तो इनको अपने गुरु यहाँ पे मिले थे और बारह साल की उम्र में ये यह यहाँ पे आ गए थे क्योंकि ही वॉज uh, क्योंकि इससे पहले सब कुछ पता कर चुके थे ही वॉज लॉन्गिंग फॉर अ गुरु कि मुझे कोई अंदर की बात बता दे राइट आइए बच्चे आगे चलते हैं स्टैचू के बारे में पहले देखते हैं हम स्टैचू एज करंट अफेयर की स्टैचू क्या चीज है आइए बच्चे देखते हैं। श्रा, राइट? ये मैंने आपको पहली बता अंडर अ, का बेटा और ये एक metallic है, metallic, metal कास्टिंग हुई है हुई हुई और ये कहां metal कास्टिंग हुई है? इंडिया में नहीं बनाया बच्चे इंडिया में सिर्फ असेंबल किया गया है को। ये चाइना की सिटी, राइट? वहां से इसको शिफ्ट किया गया था आपके मुंबई में जो आइडल है बच्चे ये 75 fit, जो आपका प्लेटफॉर्म है वहां पे इंस्टॉल किया गया एंड इट इज मेड अप ऑफ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टैचू जो है आपका मेटेलिक है कौन से मेटल से बना है बनाए विच कंटेन्स का एट्टी एट परसेंट कॉपर फोर परसेंट जिंक एंड एट परसेंट टेन राइट और अंदर इसमें हाई क्वालिटी स्टील की फिलिंग है और जो कवरिंग है वो आपको इस ब्रॉन्ज मटेरियल की मिलेगी राइट right? एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है बच्चे इज दैट दैट द डिजाइन फॉर द स्टैचू वॉज कंसेप्चुलाइज

वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक बार इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ना आगे देखते हैं शंकराचार्य ये है कौन राइट इनके बारे में जानते हैं के रिलीजियस टीचर हैं ये राइट और जो एक कॉमनली एक्सेप्टेड बिलीफ है कि 788 के अंदर इनका हुआ था, राइट और इसके साथ में जो इनकी विलेज है दैट इज वॉज बॉर्न इन कलडी विलेज अगेन यूपीएससी कभी कभी बाय नेम थोड़ा सा पूछ लेता है यहाँ पे एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये विलेज पड़ती है राइट तो ये यूपीएससी कभी कभी इसको टच करने की थोड़ी सी हिमाकत कर लेता है ना कि कहाँ पे है जैसे अभी जो हमारे एक सर्किट्स के बारे में एक क्वेश्चन जो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आ जाए जैसे अम्बेडकर सर्किट है हमारा रामायण सर्किट है तो ये कौन कौन सी लोकेशन को टच करता है वैसे ही आदिशंकराचार्य

राइट नॉन ड्यूलिज्म की इनकी फिलॉसफी है इस फिलोसफी को मैं डिटेल में भी नहीं बता पाऊंगा हाउएवर क्लास का लिंक आपको इसी के नीचे मिल जाएगा क्लास के अंदर हमने इस फिलोसफी को भी डिस्कस किया है बहुत टेंजिबल तरीके से ताकि समझ में आए राइट right? ये उनकी कुछ बुक्स के नाम है राइट right? अब ये भी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट होती है राइट right? इसके अलावा इन्होंने सेवनटी टू डिवोशनल एंड मेडिटेटिव हिम्स जो है वो कंपोज़ की थी अगेन उनका नाम यहाँ पे गिवन है एक बार यह वीडियो पॉज कीजिए बच्चे और इसको आप नोट कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे तो आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा या फिर कोई क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन के अंदर जो है ये बच्चे काम में आ जाएगा इसके अलावा इन्होंने जो है फोर भी फांट, फांट फोर फाउंड किए थे आपके ऑफ द कंट्री डेडिकेटेड टू ईच एंड एवरी वेदा अथर्वेद ऋग्वेद सामववेद यजुर्वेद और हर जगह पे जो वेद को पढ़ने का तरीका था दैट वाज थ्रू दी एसेंस ऑफ अद्वैत फिलॉसफी राइट right? तो ये भी आप एक बारी पॉज कीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और इसको भी नोट डाउन कीजिए that is all for today thank you so much thanks for watching the video this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024